काफ़ी मिल गई है हमें, 8 दाने हैं तकरीबन ये माशाल्लाह। और इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, इनकी खुशबू बहुत सुपर किस्म की खुशबू होती है। ये ना हमने तो सिर्फ भाई कश्मीर में ही देखी है, बाकी किसी जगह पे नहीं देखी। और एक ये और है, दो, बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये दो आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप पे। तो आज के सीन ये है कि मैं खड़ा हूँ इधर, एक ब्यूटीफुल सा सीन है आज, वेदर माशाल्लाह क्लाउडी है प्लस सनी है, मिक्स सा वेदर है। और वो है मुजफ्फर शाह, जानवर शानवर इन दिनों इन्होंने खोलने शुरू कर दिए हैं, अभी बहार आ गई है ना, तो थोड़े दिनों के बाद इधर जो है इस सारे इलाके में सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा, फिर आपको इधर जानवर ही जानवर लोगों के नज़र आएंगे। हमारा घर करीब है तो हम खोल के इनको इधर बेच देते हैं। और ये आ चुका है हमारा प्यारा शहज़ादा मोहम्मद। तो भाई इन्हीं खूबसूरत से ब्यूटीफुल से सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये है कि आज हमारी हो गई है ईद, हमें मिले हैं भाई मशरूम्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ये भी मैं ये समझता हूँ कि एक उसी की किस्म में आता है, इसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं कंडेर। ये चेक करें, एक मोहम्मद पीछे जो मेरे साथ मोहम्मद भी है, इसने शायद ही कि ये कभी खाई हूँ, एक और एक ये है, दो मुजफ्फर शाह इधर आना, दो, एक ये है, तीन। और इसी तरह ना इस पूरी जगह पे मुख्तलिफ ये काफ़ी सारी होंगी, तो हमें यहाँ पे ढूंढने से ही मिलेंगी। अभी ना हम इनको निकालते हैं और आपको भी दिखाते हैं, मतलब ये फ्री के हैं मशरूम्स हमारे लिए। बिस्मिल्लाह करता हूँ मैं, ये है एक पहले नंबर पे, बिस्मिल्लाह रहमान, ये एक आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो अभी इसी तरह और भी हम यहाँ पे ढूंढ के निकालेंगे इनको, ठीक है, एक ये है और एक ये और है, दो, बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये दो आ गई हैं माशाल्लाह, एक और मिल गई है, ये तीन। और ये भी ना मशरूम्स ही की किस्म है, हमारी ज़ुबान में बस इसको कंडेर बोलते हैं, और भी होंगी यहाँ पे, ढूंढने से मिलेंगी इंशाल्लाह हमें मज़ीद। इनको साफ़ करके खाएंगे, फिर आपको इसका टेस्ट भी बताऊंगा मैं कि कैसा है। मुझे तो देखो यार ये और है, ये बहुत तेज़ है, ये इसने भी ढूंढी है, ये छोटी है, इसने अपने 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 साइज़ के मुताबिक ढूंढी है। क्या वाह मुजफ्फर शाह, इस चीज़ को जानते हो आप? आओ ना आप बताओ ना, मुझे तो पता है ये क्या है, वैसे इसका पता है क्या है? ये कंडेर है, कंडेर, हम कंडेर बोलते हैं पश्तो में, इसको क्या बोलते हैं आप? इधर देखो पाँव में और भी होंगी, पाँव पीछे हो जाओ थोड़ा सा, इधर और भी होंगी, ढूंढो इधर। ये एक छोटे ने भी ढूंढा, तीन मैंने ढूंढी है, एक इसने, चार, चार मिली हमें, ये एक और मिली है, ये रही, हड़ो मोहम्मद, एक और साथ में एक और है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें इतनी मिली है, ये माशाल्लाह इतनी सारी हो गई हैं, और भी इधर ढूंढेंगे तो मिलेंगे इंशाल्लाह, ये बहुत कीमती चीज़ें और जगह पे भी होती हैं। ये ना हमने तो सिर्फ भाई कश्मीर में ही देखी हैं, बाकी किसी जगह पे नहीं देखी मैंने। मुजफ्फर शाह हैं बुनेर के इलाके के, तो ये कहते हैं कि उधर नहीं होती, ये सिर्फ इधर होती हैं कश्मीर की। तो अभी बाहर आ गई है तो बाहर में इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूर मिलती हैं, तो अभी हम हमारी तलाश जारी है, बस ढूंढ रहे हैं कि कोई मज़ीद मिल जाए। हमें काफ़ी ढूंढने के बाद ना सिर्फ यही मिली हैं, बस ये थोड़ी सी, मतलब ये हैं टोटल तीन, तीन छः, दो पीस पड़े हैं और बाकी ये। तो मशरूम्स जो है ना कश्मीर में बहुत, मतलब यहाँ पे भी ना साफ़ सुथरी जगह पे होते हैं, ये किसी भी गंदी जगह पे आपको ये नहीं मिलेंगे। और मतलब इनकी कीमत ना बस बंदा ये कह सकता है कि कोई अदा नहीं कर सकता भाई, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल है। वो जो दूसरे फार्मिंग के ज़रिए भी लोग करते हैं मशरूम्स वगैरह, लेकिन वो सही नहीं होते, ये क्वालिटी में सबसे सुपर होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं। और इनकी ना फार्मिंग मैंने कहीं देखी भी नहीं है, वो जो दूसरे होते हैं बाज़ार में वो भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ये ना ढूंढने से, और कुछ ख़ास जगह होती हैं, स्पेशल जगह होती है, साफ़ सुथरी एक एरिया होगा वहीं पे होंगी, और वो भी ना हर साल मतलब यहाँ से हमें मिलती हैं। मेरी वालिदा जब इधर आया करती थी ना, तो वो हमें ज़रूर ढूंढ के खिलाया करती थी, मतलब जब जानवरों के साथ वो होती है, अभी तो ये मुलाजिम होते हैं, तो वो हमें ढूंढ के ये खिलाया करती थी, और एक बचपन में हम खुद ढूँढा करते थे उनके साथ होके। मैं जा रहा हूँ घर अपनी वालदा से पूछने के लिए कि ये कौन कौन सी जगह पे होती हैं, उनको सही पता है,
तो फिर ना हम ढूंढेंगे इनको इंशाल्लाह। अभी ये कम मिली हैं, सारी कलेक्ट करके फिर आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे मज़ीद मिल जाए, अब नसीब की बात है। अच्छा, वालिदा से मैंने पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते पे एक यहाँ पे होती हैं और एक नीचे जगह उन्होंने बताई, उस जगह का नाम है देवी। तो उन्होंने कहा जी उस देवी के पास आपको मिलेंगी। देवी जगह के नाम इस तरह के इसलिए हैं यहाँ पे क्योंकि इस जगह का जो इस्लामपुरा हमारा विलेज है ना, इसका पहले नाम हुआ करता था ब्राह्मणपुरा। तो यहाँ पे ना मतलब जगह जितनी भी हैं उनके नाम इस तरह से हैं, वो देवी है, ठीक है। तो अब उसके पास जाएंगे और वहाँ पे जाके हम ढूंढेंगे कि हमें मज़ीद मिल जाए। चलें देखते हैं इंशाल्लाह। ये शहज़ादा भी मेरे साथ जा रहा है, मोहम्मद। ये मुझे कह रहा है कि जल्दी से धो के ना खिलाएं, बाकी बाद में ढूंढेंगे, पहले मुझे खिला लें। तो पहले ढूंढेंगे फिर इसको खिलाएंगे, भाई सब्र का फल मीठा होता है। हम पहुंच गए इधर और वालिदा ने बताया था कि भाई इनकी एक खुशबू है ख़ास किस्म की, जैसे ही आप उधर पहुंचेंगे तो आपको खुशबू आ जाएगी। तो ये जगह है वो, उन्होंने कहा इधर कहीं मिलेंगे, हम ढूंढते हैं, अगर मिल जाती हैं तो फिर आपको भी दिखाते हैं भाई। यहाँ से लेके ना उधर उधर आगे तक उन्होंने बताया कि मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो मेहनत है वो रंग ले आई है, एक हमें मिल गई है, वो रही ये। बिस्मिल्लाह रहमान, मोहम्मद कह रहे हैं मैं उठाऊँगा, ये इसने उठा ली भाई। बिस्मिल्लाह, एक मिल गई है स्टार्ट में ही, जस्ट हमने एक नज़र लगाई है तो उसमें एक मिली है। मज़ीद ढूंढते हैं इंशाल्लाह, मज़ीद मिलेंगी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और मिल गई है, ये कह रहे पहले इधर रखें वीडियो बनाएं फिर मैं उठाऊँगा। बिस्मिल्लाह उठाए, ये भाई इसने उठा ली, ये खुश हो गया है। ठीक है, अभी मज़ीद ढूंढते हैं, जस्ट अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो दो मिली हैं और हमारी वालदा ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल सही निकली है। मोहम्मद को मैंने कहा ये पकड़ के आप इधर बैठो और मैं जो है ना वो ढूंढने वाला काम करता हूँ, ये सारा एरिया जो है ना वो मैं ढूँढूँगा इंशाल्लाह, इधर 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 वो आगे तक, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी मिलेंगी, उम्मीद तो है। फिर से हम दोनों ढूँढ रहे हैं, ये इधर पहुँच चुका है और हमारी कोशिश है कि हमें मज़ीद मिल जाए। यहाँ नीचे नीचे से ये सारा एरिया हम ढूंढ के आएँ, यहाँ तक आ चुके हैं, अभी इधर इधर देख रहे हैं शायद इधर कहीं मिल जाए हमें मज़ीद थोड़ी बहुत। बहरहाल जो हमें मिल भी गई है ना, ये हमारी लक है कि इतनी ज़्यादा हमें मिली है, ओवरऑल ये इतनी ज़्यादा मिलती नहीं होती है, दो चार आपको मिलेंगी बस, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास इस वक्त आठ हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमारे नसीब में थी हमें मिल गई हैं और अभी जो है ना आपको मतलब ये खा के हम चेक करवाते हैं, रिव्यू देते हैं आपको। मेरे साथ मोहम्मद भी, हम आए हैं इधर चश्मे पे, तो यहाँ पे जाएंगे इनको धो के फिर आपको जो है ना टेस्ट करवाते हैं कि ये माशाल्लाह कैसी हैं। काफ़ी मिल गई है हमें, आठ दाने हैं तकरीबन ये माशाल्लाह, और इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, इनकी खुशबू बहुत सुपर किस्म की खुशबू होती है। अभी चलते हैं इधर चश्मे में, आपको जो है ना ये धो के खा के चेक करवाते हैं फिर। ये है भाई हमारा पानी का चश्मा और यहाँ पर हम इनको धोएँगे, ये हैं माशाल्लाह से। और इसके ना फनी सीन आप साथ सुनते जाए, एक को मैं सही करके धोता हूँ, ये वाली जो है बिस्मिल्लाह ये चेक करें माशाल्लाह, धो के बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है ये, कोई इनमें ना बिल्कुल कोई फॉल्ट शॉल्ट नहीं है। तो अभी ये साथ में मोहम्मद है, इसको खिलाऊंगा मैं। ये है अंदर से, इस तरह से होती है अंदर से ये माशाल्लाह, और बहुत ही टेस्टी होती है। इसकी खुशबू जो इस वक्त आ रही है ना, बहुत लेवल की खुशबू है इस वक्त माशाल्लाह से। और अभी ये मोहम्मद है, इसको मैं खिलाता हूँ बिस्मिल्लाह करके, इधर खाओ। के जी है, मज़े नहीं है? मैं खुद चेक करता हूँ अभी कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। ये कैमरा दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं भाई, राइट हैंड पे आ जाइए। जो लोग भी कश्मीर में रहते हैं ना, उनको तो इसके टेस्ट का पता होगा, एक यूनिक अलग किस्म का, बिल्कुल कुदरती और अपना मुनफरिद जायका इसका, बहुत मज़े की है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था, एक मैंने और मोहम्मद ने आधी आधी करके खाई है, बाकी ये जो है ना ये मिलती नहीं है नॉर्मल, मतलब ढूंढने से भी ना इनका एक सीज़न होता है उसमें भी बहुत कम मिलती हैं, बस अभी हमें मिल गई हैं। मुश्किल है जब कभी कहीं बारिश होगी उसके दूसरे तीसरे दिन कोई थोड़ी बहुत दो चार दाने मिल जाएँ तो मिल जाएँ। मेरे बड़े भाई जान बहुत शौक से खाते हैं और वालिदा भी, तो बाकी सबको भी हमने देनी है, हमने फिर एक खाई है और बाकी उन सब के लिए रखी है कि सबको थोड़ी थोड़ी करके देंगे।
बात कर रहा था और कुदरती नसीब की बात है जी, ये चेक करें माशाल्लाह से, ये मिली है मुझे एक और ये, ठीक है। अल्लाह पाक बंदे के नसीब में जो चीज़ रखे ना वो बंदा बहुत बार ढूंढने से भी नहीं मिलती, और सम टाइम ऐसा होता है कि अब ये दो के ना फिर इसको यूज़ करेंगे। मोहम्मद ने खाई थी भाई, वो रिकवर हो चुकी है, हमें एक और मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक का करम है। और उसकी हालत देखें, मुझे कह रहा है बाबा मेरी टांग टूट गई है, मतलब ये कि थोड़ा चला है ना मेरे साथ, काफ़ी देर से हम दोनों इन पंगों में पड़े हुए थे, थक गया, तो इसको भी अभी उठा के लेके जाना पड़ेगा। अभी आ गए मुजफ्फर शाह को एक खा के चेक करवाते हैं, इन्होंने पहले कभी नहीं खाई, फर्स्ट टाइम। कैसा टेस्ट है? पूरा खाओ फिर टेस्ट आएगा। सही सही मजे का है ना? हाँ। अलग मुनफरिद सा टेस्ट है इसका ना। हाँ जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं इधर, ये सारा एरिया है नीचे, जंगल ही है। लुकमान भाई, रुबैद भाई मेरे साथ हैं, हम इधर ढूंढ रहे हैं क्या शहद की मक्खियों की ना, हमें मतलब शहद देसी का हमें बहुत ज़्यादा शौक है कि हम एक मरतबा जो है वो निकाल लें, उसी के चक्करों में हम निकले इधर ढूंढ रहे हैं। देखते हैं, इन दोनों को मैंने टास्क दिया, अगर किसी को मिल जाता है तो उसको 1000 रुपया इनाम दूंगा, तो अब देखते हैं कि किसको पहले मिलता है। मिलना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मुझे ये पता है कि इम्पॉसिबल काम है। लास्ट ईयर ना यहाँ पे लगा हुआ था, ये जो दरख्त है ना इस पे लगा हुआ था, लेकिन इस साल इस पे नहीं है। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि शायद कहीं मिल जाए, सारे ही अपनी अपनी सर्चिंग में लगे हुए हैं। ये तो हमारा रोज़ का प्रोजेक्ट है, हम इसमें तकरीबन डेली ही फेल हो रहे हैं, लेकिन कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। चक्कर है रुबैद भाई किधर से गुजर के आ रहे हैं, इधर से ही हम भी गुजर के आए हैं, कांटे कांटे हैं, लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं है अभी तक। तो भाई इस चक्कर में हम हो चुके हैं फेल, ये दोनों शहजादे भी आ चुके हैं और हमें आज भी कुछ नहीं मिला, तो ये तो हम रूटीन में अब ढूंढेंगे इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर। तो ये था आज का हमारा एक खूबसूरत सा व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया होगा। भाई लाजमी शेयर किया करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी करें अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़ल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।